देखिए अभी ऐसी लग रही है मेरी कपट। मैंने क्लीन कर दिया है तो अदल बदल भी मैंने कुछ किया है क्योंकि ये डब्बे इस तरफ थे और गुड आफ्टरनून जैसे गाइस ना वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैंने 3 दिन के रेस्ट के बाद व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि रेस्ट इसलिए कह रही थी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने कुछ शूट ही नहीं किया 3 दिनों में और 3 दिन मेरे वेस्ट हो गए क्योंकि ये पूरा हफ्ता जो है ना राहुल की डे शिफ्ट का वो मुझे क्लीनिंग में निकालना था क्योंकि पूरे घर की सफाई करनी थी क्योंकि आ रही है दिवाली। तो दिवाली में एक हफ्ते से पहले ही मतलब कि 10 दिन पहले से ही क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है तो डे शिफ्ट पे मुझे करना था क्योंकि डे शिफ्ट में अकेली होती हूँ ना तो मैं सारा काम कर पाती हूँ, राहुल भी नहीं होते तो उनको डिस्टर्ब भी नहीं होता क्योंकि नाइट में फिर वो सो रहे होते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए मुझे डे शिफ्ट में ही काम करना था। तो मेरे 3 दिन वेस्ट हो चुके हैं, अभी आज थर्सडे है और मैं आज से क्लीनिंग स्टार्ट करी हूँ। आज सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं कबर्ड की क्लीनिंग स्टार्ट कर लूँ, तो अभी मैं फिलहाल जो मेरा ये दूसरा कबर्ड है ना जो इस घर में था वही है तो पहला मैं वही साफ़ करी हूँ। और दूसरा जो मेरा कबर्ड है ना वो तो पहले से ही अच्छा है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं निकाल कर सब कुछ क्लीन कर दूँगी। तो चलिए सारा सामान बाहर निकालते हैं और फिर क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं। और वैसे आज पूर्णिमा भी है, कल भी पूर्णिमा थी शरद पूर्णिमा और आज भी कह रहे हैं लोग। तो अभी कल तो मैं मम्मी के घर गई थी और लेकिन जब मैं घर वापस आई ना तो रास्ते में मुझे कहीं गड़बा दिखा नहीं, तो आज हम शायद राउंड लगाने जाएंगे अगर कहीं पर मुझे गड़बा दिखा तो हम थोड़ी देर देखेंगे और आपको भी दिखाऊंगी। तो ये हो गया रात का प्लान, तो अभी के लिए क्लीनिंग स्टार्ट करी है। तो चलिए अभी मैं आपको पहले कब्बर का हाल दिखा देती हूँ कि अभी कैसा है और चेंजेस करने के बाद और अच्छे से सब कुछ सामान सेट करने के बाद कैसा लगता है, चलिए दिखाती हूँ मेरा कब्बर। तो देखिए ये कब्बर है ना वो मुझे क्लीन करना है, तो देखिए फिलहाल इसका हाल ऐसा है। ऊपर वाली सेल्फ में मैंने बैग्स रखे हैं, ये राहुल का शेल्फ है और ये वाला मेरा है जो कि कपड़े आटे खाली है क्योंकि आधे कपड़े बाहर पड़े हैं और नीचे कुछ बॉक्सेस रखे तो वो सब कुछ मुझे निकालना है। तो देखिए पहले ऐसा था और बाद में कैसा होता है। तो ये देखिए सारा सामान बाहर निकाल लिया है, अभी इसे अच्छे से कपड़े सारे फोल्ड कर लेती हूँ और बॉक्सेस को मैं अच्छे से क्लीन व्लीन करके फिर सारा सामान रखूँगी। चले तो सफाई करते करते शाम हो चुकी है मेरी और कबर्ड मेरी क्लीन हो चुकी है और कबर्ड क्लीन करने के बाद मैंने सारा रूम क्लीन किया, वो दोनों रूम क्लीन किए वैसे तो वो कर दिए और फिर मैंने अपनी जो किचन है ना उसका जो आटा पार्ट है ना वो भी क्लीन कर दिया है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अभी ऐसी लग रही है मेरी कबर्ड, सब कुछ क्लीन हो चुका है। ऊपर मैंने जो बैग्स रखे थे ना वो मैंने दूसरी कबर्ड में रख दिए हैं, तो वहाँ पर मेरा ट्रैवल बैग है और मेरे पर्स है, ये राहुल के कपड़े, ये मेरी सारी कुर्तियाँ और बाकी की इसमें है कपड़े और नीचे भी सारा एक्स्ट्रा सामान रख दिया है। तो देखिए अभी चलते हैं किचन में। तो देखिए ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना ये तीनों सेक्शन वो तीनों के तीनों मैंने क्लीन कर दिए हैं, तो अदल बदल भी मैंने कुछ किया है क्योंकि ये डब्बे इस तरफ थे और मैंने इस तरफ ले लिए हैं, फिर ये सारे जो छोटे डब्बे हैं वो यहाँ पर नीचे हुआ करते थे लेकिन मैंने ऊपर चढ़ा लिए हैं। और अभी थोड़ा सा मैसी लग रहा है क्योंकि मेरे जो कांच के मेरे जो ग्लासेस कप वगैरह है ना वो मैंने धुलने में डाले हैं तो वो मैंने वॉश कर दिए हैं, तो वो मैं कल सुबह सेट कर दूँगी। उसके बाद आपको फिर एक बार दिखा दूँगी। और मुझे अभी एक प्लेट रखने का लेना है ना, तो वो भी मैं बाजार जाऊँगी ना तो ले आऊँगी। चलिए अभी तो फिलहाल ऐसा रखा है मैंने, तो मेरा आटा किचन और कबर्ड क्लीन हो चुकी है, बाकी काम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो चलिए अभी मैं फटाफट फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि पूरी पिचक गई हूँ ऑयल में, तो चलिए फटाफट से फ्रेश होकर आते हैं और राहुल का वेट करते हैं। तो मैं फ्री हो चुकी हूँ और राहुल भी आ चुके हैं, अभी राहुल फ्रेश होने गए हैं, मैं फ्रेश होकर आ चुकी हूँ और बैठी हूँ अपने नोज के आसपास के यहाँ सभी के ब्लैक हेड्स भी निकाला इसीलिए देखिए रेड रेड है। तो जैसे राहुल आ जाएंगे ना उसके बाद हम खाना खाने बैठेंगे, तो दिखाती हूँ कि आज के खाने में मैंने क्या बनाया है। तो देखिए आज मैंने खाने में बनाया है लौकी और आलू की सब्जी है, साथ में रोटी चावल और प्याज। तो चलिए खाना खा लेते हैं। चलिए तो हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ चटर पटर करने के लिए क्योंकि घर में खाना खाया लेकिन फिर भी चटर पटर करने का मन है, तो
जा रहे हैं बाहर, अभी देखते हैं क्या मिलता है क्या खाने को। वैसे तो दो ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं खाना क्योंकि हमने अभी भी खाना खाया है, इसीलिए तो देखते हैं कि क्या खाते हैं। चलिए चलते हैं, और गरबा भी देखना है, होगा तो देखने जाएंगे, वरना नहीं होगा तो फिर आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो चलिए चलते हैं कुछ चटर पटर करने। चलिए तो हम आ चुके हैं पानी पूरी खाने के लिए, वड़ा पाव खाने गए थे लेकिन क्या हुआ राहुल, वड़ा पाव ही नहीं मिला, अभी पानी पूरी खाने आ गए हैं। देखिए राहुल ने से पूरी ले ली, भैया है नहीं, भैया चाय पी रहे हैं इसलिए मैंने भी ले ली। चलिए तो अभी हम आ चुके हैं सोडा पीने के लिए, क्योंकि तीखा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी प्यास लगी है तो सोडा पी लेंगे। और रास्ते देखने हम गए थे भावेश्वर मंदिर में, और जब हम यहाँ से जा रहे थे ना तो तब चालू था, लेकिन हम रिटर्न आए ना तो ख़त्म हो गया, इसीलिए फिर अभी सोडा पीने रुके हैं, सोडा पी कर फिर घर जाते हैं। अभी आगे एक गरबा है, अभी वहाँ पर होगा गरबा चालू तो आपको दिखाऊंगी, वरना वैसे हम उस रास्ते से आए नहीं, हम दूसरे रास्ते से आए हैं इसीलिए पता नहीं है कि चालू होगा कि नहीं। तो चलिए अगर सोडा आ गई चालू होगा ना तो आपको दिखाऊंगी। देखिए मेरी सोडा आ गई चलचीरा वाली। तो देखिए यहाँ पर पंचायत चौक के पास में गरबी है, तो आज पूर्णिमा की गरबी है, तो सभी ने छोटे छोटे बच्चे सभी ने वाइट पहने हैं। तो देखिए आज सभी बच्चे को तो इनाम भी यहाँ पर दिया जाएगा, तो वहाँ पर बॉक्सेस वगैरह पड़े हैं, और अभी खबर पता नहीं क्या करने वाले हैं, अभी भी जस्ट बंद हुआ है, अभी चालू होगा कि नहीं पता नहीं है, या फिर कुछ देना स्टार्ट कर दिया है। ओ नहीं नहीं ये वो क्या कहते हैं टीमली खेलने वाले हैं। चुके हैं और अभी बस थोड़ी देर में फ्रेश होकर वापस से सो जाएंगे, तो ये ब्लॉग हम यहीं एंड कर देंगे। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल आएगा ये तो कल आ जाएगा, पर कल मैं ब्लॉग शूट करूँगी यानी ये कुछ अभी दे नहीं है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।